नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आईबीन 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं आईजी ऑफिस के बिल्कुल ठीक सामने। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और पिछले दिनों में जब कुछ एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया जिनके विदेशों में भेजने के नाम पर, और अब जो है उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई कि उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, और उनके परिवारजन यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो फिलहाल ये चाहते हैं कि बिना उनके पक्ष को जाने जो है उनकी जो गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं वो अपनी पक्ष रखने का उन्हें अधिकार है। तो इसलिए वो यहां पर आईजी ऑफिस के ठीक बाहर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं, और यहां पर वो लोग एकत्रित हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि अपना जो ज्ञापन है वो आईजी जो है मैडम उनको सौंप कर ताकि इसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि उनका कहना है कि जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो उनके ऊपर बेवजह दबाव बना रहे हैं और उनको इसमें कुछ झोलझाल लग रहा है। तो वो अब चाह रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो है वो चाहते हैं कि अपना ज्ञापन जो है वो आईजी हैं मैडम उनको सौंपें और फिलहाल इसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई हो। और ज़रा जानते हैं वकील साहब से कि आखिर जो इनके वकील हैं कि क्या इसके बारे में उनका कहना कि अब आगे वो क्या करने वाले हैं आईजी को मिलने। वास्तव में जो आजकल जो ये केस बनाए जा रहे हैं विदेश में भेजने के नाम पर, जो एजेंटों को मोहरा बना करके ये 3420, 406, 384, 370 और 24 इमिग्रेशन एक्ट के जो केस बनाए जा रहे हैं, वास्तव में ये केस जो है कानूनी हिसाब से भी और सामाजिक हिसाब से नहीं बनने चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को, बच्चे को, लड़के को जो विदेश में जो भेजा गया था जिन व्यक्तियों के द्वारा, हर बात उनको बहुत स्पष्ट तौर पर क्लियर थी कि हम किस पर्पज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, और बिल्कुल उनके मर्जी से, उनके परिवार की मर्जी से प्रत्येक लड़का वहाँ पर गया है। और लगभग 1.5 से 2 साल पहले हर लड़का मैक्सिमम वहाँ पर गया है और वहाँ पर अपना स्थापित हुआ है। कुछ लड़के वहाँ पर जा कर के, विदेश में जा कर के स्थापित भी हो रहे हैं, और अब कोरोना महामारी की वजह से वहाँ की सरकारों ने उन लड़कों को जो है वापस भेज दिया है। जब वापस भेज दिया तो वो कंप्लेनेंट बन करके और कानून का दुरुपयोग करके अपना एक झूठे मुकदमे दर्ज करवा करके वो पैसे ऐंठने की फिराक में है। वास्तव में अगर ये गलत था, विदेश में जाना ये गलत था किसी भी तरीके से, तो वास्तव में वो जो लड़के थे वो भी गलत थे, इसका मतलब वो भी गलत थे, तो मुकदमा उनके खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए था। अगर किसी ने गलती की है तो, अगर ये गलती है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। 1.5 साल पहले अब वो 1.5 साल से 2 साल से वो वहाँ पर रह रहे हैं, और वहाँ पर रह करके उनके परिवार वालों को पता है, उनके परिवार वालों ने आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत न किसी प्रशासनिक अधिकारी को न सरकार को दी है। जब कोई शिकायत नहीं की गई तो इसका मतलब उनकी खुशी से, उनकी रजामंदी से वो रह रहे थे, अब वापस आ गए हैं तो कानून के धाराओं का दुरुपयोग करके वो जो है अब इन एजेंटों के नाम पर, कबूतरबाजी के नाम पर इनको जो है गिरफ्तार करके अंदर गिरा। किसको मिलेंगे आप? अब मेरा जो अभी सिंपल बात यह है, बतौर एडवोकेट मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर इसमें जो धाराएं लगती हैं 406, 420, 384, 370, ये किसी भी प्रकार से अमानत में खयानत नहीं है। जो 406 जिसमें धारा लगा रही है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, कोई श्वासघात नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं है। चीटिंग तो वो है कि अगर मैं आपसे बात कुछ करूं और बात कुछ किसी दूसरे मुद्दे पर ले जा करके कुछ आपके साथ गलत हूँ, कोई चीटिंग नहीं की गई, कोई मानव तस्करी की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार से किसी को जबरन घर से जा करके किसी भी थ्रेटनिंग करके कोई धन उनसे जो एक्सकोर्ट नहीं किया गया है, धन उनसे लूटा नहीं गया, छीना नहीं गया है, तो ये जो धाराएं हैं ये निश्चित तौर पर धाराएं बननी नहीं चाहिए। किससे मिलोगे अब जो है ये जो लोग हैं जो पीड़ित पक्ष हैं, अब क्या है कि जो अब जो मेरे नॉलेज में जो जहां तक बात आई है, जो लोग जो यहां पर एजेंट जो जिनको बताया गया है, उनके परिवार के लोग जो रिश्तेदार जो यहां पर आए हैं अदालतों में भी आ रहे हैं, वो जब ये कहते हैं कि जब हम पुलिस वालों को मिलते हैं कोई बात करते हैं तो वास्तव में कहते हैं कि मतलब हमसे कोई बात ना करो। और इनका जो मेन पहलू है कि अगर ये गलत है तो सही तरह से न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए, और पुलिस को भी तफ्तीश प्रॉपर तौर पे करनी चाहिए, दूसरे पक्ष को भी प्रॉपर तौर पे सुना जाना चाहिए। इसमें एक पक्ष को सुनकर के उनकी बात की जाती है, और वहाँ पर जब विदेश में लड़के जो वहाँ पर रह रहे थे, वहाँ जब वहाँ पर रहे थे तो उनकी वहाँ पर कलमबद्ध बयान हुए थे, मजिस्ट्रेट के सामने हुए थे, इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने बयान हुए थे, रिकॉर्डिंग हुई थी, वो भी मंगा करके देखना चाहिए कि वास्तव में उनके साथ धोखाधड़ी किन लोगों ने की है। वो स्वयं गए हैं, उनके बयान लिख करके, उनके बात को रख करके जब प्रॉपर जांच हो और सही तफ्तीश करके अगर फिर भी कोई दोषी पाया जाता है,
फिर भी अगर कोई दोषी पाया जाए तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे नियोजित पूरे तरह से तफ्तीश करके प्राथमिक आधार पर प्राइमरी फैसिलिटी तौर पर। देखने में ये आ रहा है कि लगातार मान लो अब तो मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो दो साल पहले डिपोर्ट हुए थे उन्होंने अब तक कोई मामला नहीं दर्ज करवाया था, लेकिन अब सभी को देखा देखी वो पुलिस में जा रहे हैं और उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं उसको लेकर। हाँ, यही 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 हमारा वर्सन है, यही इन सब का वर्सन है कि अगर तीन साल में कुछ गलत नहीं हुआ तो अचानक कोरोना महामारी की वजह से अगर वहाँ की सरकार ने उनको डिपोर्ट कर दिया तो एकदम से ऐसी कौन सी बात आ गई कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है या ये दोषी बन गए हैं। तो सारी बातों को मद्देनजर रख करके ये जो है अब आज जो ये लोग जो आए हैं आईजी साहब के पास अपनी गुहार लेकर के, क्योंकि अभी आईजी जो मैडम जो है इस जो सारी के सारी एसआईटी की अध्यक्ष है और निश्चित तौर पर मैडम के सामने अपनी गुहार ये लगाएंगे कि हमारे पक्ष को भी सुना जाए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर उनको लगता है कि गलत है फिर उसकी जो है अभी जो इनकी जो अभी जो लोग बताते हैं अभी जो ये बता रहे हैं कि हम जैसे वहाँ पर जो तफ्तीश चल रही है वहाँ पर असली एक्सटोर्शन अब इनका हो रहा है, अब जबरन वसूली करके जबरन तौर पे उस पर दिखाया जा रहा है कि रिकवरी में उनको डाला जा रहा है पैसों को, इस प्रकार की जो सिचुएशन बनाई जा रही है। और जब किसी से उनसे बात करते हैं कि हमारी बात को सही तरह से सुना जाए, हमारी बात को रखा जाए, तो कहते हैं कि ऊपर का दबाव है, ऊपर का दबाव है। पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं निश्चित तौर पर, जब किसी पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति है तो पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति कुछ भी किसी का सिग्नेचर करवाए कुछ बात करवाए तो इनका वर्षन ये है कि हमारी बात को सही तरह से सुन करके सही तरह से उसकी जांच हो ताकि हर बात दूध का दूध और पानी का पानी हो और ये जो लोग हैं इनके साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो। तो इस पर पिछली रणनीति रहेगी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। निश्चित तौर पर न्याय अपना काम करेगा, अदालत के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को पूरा विश्वास है और अदालत में मैटर जाने के बाद वहाँ सारा मामला बिल्कुल छट जाएगा। लेकिन जब अदालतों की बात आएगी, जब ट्रायल की बात आएगी और जब तक, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, न्याय इनको मिलेगा, अदालतों से मिल जाएगा न्याय, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अदालतें बिल्कुल स्पष्ट हैं, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक अदालतों में मामला जाएगा तब तक वहाँ पर फैसला होगा, जब तक ये लोगों का परिवार जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और पीड़ित होगा, इन सब के परिवारों के बच्चे इधर उधर छुप रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो है अभी जो सुनने में आया है जैसे ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर इंसाफ में कभी किसी के भाई का नाम लिख दिया, किसी के बाप का नाम लिख दिया, किसी की बीवी का नाम लिख दिया, किसी के रिश्तेदार का नाम लिख दिया और जैसे अनपढ़ जो लोग सर्विस में हैं उनका नाम लिख करके ज़बरदस्ती उनको प्रेशर बनाया जा रहा है। और अभी ये भी सुनने में आया है कि जो लोग किसी भी केस में कोई जिसका कोई कंसर्न नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, जानते भी नहीं, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मुदई कंप्लेंट ये कहता है कि मैंने कभी इसको मिला नहीं, मैं इसको कभी पैसे दिए नहीं, उसके बावजूद भी फर्दीक साहब में नाम लिख करके उनसे पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। सीजन आ गया, ये सीजन जाइए, हाँ ये बहुत गलत बात हो रही है। और इसका मैं ताज़ा उदाहरण FIR नंबर 153 दे रहा हूँ। FIR नंबर 153 ये जो थाना बुटाना की दर्ज है, इसमें मुदई कहता है कि मेरे से इस व्यक्ति ने कोई पैसा नहीं लिया, ना मैं इसको जानता, एफिडेविट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पुलिस रिमांड लेकर के उससे ज़बरदस्ती वसूली की जा रही है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन बन रही है बड़ी भयंकर है, तो न्याय की व्यवस्था यहाँ पर कायम होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के अपनी गुहार लेकर के आइए, मैडम आईजी के पास अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जो वकील साहब हैं और ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और उन्होंने यहाँ पर जो ज्ञापन है आपको दिखाएंगे एक बार तस्वीरों में, जो ज्ञापन है आप देख सकते हैं उनके हाथ में। और अभी क्या आगे और क्या बात हुई आपके अंदर जो ज्ञापन आपने सौंपना था उसके लिए? आज जो है जो झूठे तौर पर बिल्कुल तथ्यों के आधार के बिना जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो लोग कोरोना महामारी की वजह से या किसी कारण की वजह से अमेरिका से जो लोग बच्चे लड़के बाहर से आए हैं उनके बातों को आधार बना करके 406, 420, 384, 370 और 24 इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो धाराएं इस प्रकार के इस मामले में बनती नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना तो कोई चीटिंग की है, ना कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, ना ही इन लोगों ने किसी प्रकार की मानव तस्करी की है, और ना ही जो इनके घर पर जा करके या कहीं पर जा करके इनको ज़बरदस्ती थ्रेटनिंग करके कोई धन आकृत जो है एक्सटोर्ट किया है, कोई धन छीनना है, जो ये किया ऐसा किया ही नहीं है तो ये धाराएं बनती नहीं हैं। और इनका जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनका वर्सन ये है कि हमारे को दो नंबर में अंदर भेज दिया, पहले तो ये था कि हमारे को विदेश में भेज दिया और हम अब वापस आ गए हैं इसलिए, लेकिन अब मुकदमों की लैंग्वेज चेंज करके कि हमारे को एक नंबर में कह करके दो नंबर में भेज दिया, इस प्रकार के चेंज करके अब नए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो मेरा वर्सन सिर्फ इतना है, जो सब लोग ये जो बता रहे हैं
कि जो जिनको एजेंट के तौर पे कभी बोल दिया है, कभी कबूतरबाज बोला जाता है, जो कि ये गलत बात है, न ये कबूतरबाज हैं और न इस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने जो लोग बाहर गए हैं, किसी का टिकट करवाया है, किसी को सलाह दी है, कोई किसी प्रकार की कोई हेल्प की है, इन्होंने कभी किसी को सच भाग नहीं दिखाई, न ही कोई गलत बात करो गलत प्रोमिस करके इनको विदेश भेजा है। यदि इनको गलत प्रोमिस करके गलत बात करके विदेश में भेजा होता तो 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से जो लोग बाहर विदेश में रह रहे हैं तो उनके परिवार वाले या वो खुद आज तक कोई शिकायत करते कि हमारे साथ गलत हुआ है। जो गलत आज हुआ है वो गलत 2.5 साल पहले 3 साल पहले हुआ था उनका वर्षन के अनुसार, तो आज तक कोई शिकायत नहीं। अब एकदम से ऐसी कौन सी आफत आ गई कि उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। और वहाँ पर जा करके इनकी रिकॉर्डिंग हुई है स्टेटमेंट की, इनके बयान वहाँ कलमबद्ध हुए हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुए हैं है। और वहाँ पर जा करके अधिकारियों के सामने उनके बयान हुए हैं। जब सारी कार्रवाई हुई है तो मेरा इनका जो वर्षन आज मैडम आईजी भारती अरोड़ा जी के पास पेश होने का है, अपनी न्याय की गुहार लगाने का है, सिर्फ इतना है कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो गलत उन्होंने भी किया है, क्योंकि उनकी सहमति से वो लोग बाहर गए हैं। और यदि तफ्तीश करनी है तो तफ्तीश के अनुसार दोनों पक्षों को सुना जाए और उस पक्षों दोनों पक्षों को सुन करके जो बयान वहाँ पर हुए थे, जो रिकॉर्डिंग वहाँ पर हुई थी मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उन बातों को भी बीच में रख करके तफ्तीश का हिस्सा बना करके सही जाँच होनी चाहिए। लेकिन अब जो है पुलिस जो जिनके पास जो तफ्तीशी अधिकारी हैं वो इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर से दबाव है। देखो एक बात निश्चित है, जो उच्च अधिकारी हैं वो कभी भी निम्न अधिकारी को ये बात नहीं कहते हैं कि तुम लोग जाओ और नजायज तौर पर भी किसी को फंसाओ तो फंसा लो। ये बात निश्चित तौर पर भारतीय अरोड़ा मैडम यहाँ पहले SP रह चुकी हैं, अब मैडम IG है यहाँ पर, तो इनकी छवि बिल्कुल साफ है और ये बात निश्चित है कि इस प्रकार के कोई आदेश मैडम नहीं कर सकती है। और इसी बात को, क्योंकि इनकी स्वच्छ छवि बहुत अच्छी है, स्वच्छ छवि है, तो इसी बात को लेकर के हमारे को यहाँ से न्याय मिलेगा, ये लोग मैडम के पास आज पेश हुए हैं और अपनी बात को रखने जा रहे हैं। इसके कारण क्या लग रहा है इसके पीछे कि जो अभी आपने देखा है कि जो नीचे के जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से दबाव बना रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर इसका एक ही मकसद है कि वो दबाव बना करके पैसे लोगों से इस प्रकार के जो असहाय लोग हैं उनको ऐंठ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को फंसाने के चक्कर में, उनके मित्रों को फंसाने के चक्कर में, उनके परिवार के लोगों को फंसाने के चक्कर में उनसे पैसे ऐंठते हैं और पैसे ऐंठ करके कुछ रिकवरी में दिखा देते हैं, कुछ अपने आप रख लेते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन जो ये लोग बता रहे हैं। और जब इनसे पूछते हैं तो मनमानी करते हैं, इनसे मिलने तक भी नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक सिस्टम है यहाँ पर, जो भारत के अंदर जो प्रणाली है वो न्याय संगत प्रणाली है और इनको उसके बाद कानून पे और अदालतों पे विश्वास है। लेकिन जब तक अदालतें अपना ट्रायल पे केस आएगा, जब वहाँ कार्रवाई होगी तो वो बहुत देर हो चुकी होगी, इससे पहले ये परिवार सड़कों पर आ जाएंगे और इन सर परिवारों के साथ जाति ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत प्रताड़ित परिवार हो रहे हैं, उसी दुख की अपनी वेदना को रुदन करने के लिए आज मैडम के पास ये लोग सब आए हैं। तो जो ज्ञापन है वो ये आपको सौंपना है अभी आपने? हाँ, मैडम के पास अभी जो है ज्ञापन सौंपा है और निश्चित तौर पर मैडम इसमें न्यायोचित कार्रवाई करेगी और सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सही तरह से तफ्तीश करेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं लगता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर वकील साहब हैं, उन्होंने ये बताया कि जो ज्ञापन है उनको सौंप दिया गया है आजी मैडम को और उनको उम्मीद है जो है इस मामले में जो है पूर्ण निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है उन लोगों को, ये जितने भी इन परिवार थे, जिनके भी जो एजेंट लोग थे जिनको बाहर विदेशों भेजने के नाम पर, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया और अब उनके परिवारजन एकत्रित हुए और IG ऑफिस में आकर जो है अपना ज्ञापन उन्होंने सौंपा है ताकि इसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई हो और एक सही कार्रवाई हो, क्योंकि फिलहाल जो उनको लग रहा है इसके अंदर कोई ऐसा झोल झाल लग रहा है कि बिना वजह के जो है नीचे के स्तर के अधिकारी जो हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं या मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जो है अब देखते हैं आगे इसके ऊपर और कार्रवाई और क्या होगी। फिलहाल जो है आपको इसके बारे में आपको बता रहे थे और जो IBIN 24 न्यूज़ के ऊपर आपसे फिर से जुड़ेंगे और तब तक के लिए जय हिंद।